फ्रेंड्स, एक अच्छे स्किन, हेल्दी स्किन, चमकते स्किन और हेल्दी हेयर हम सभी चाहते हैं। हम सभी कुछ ना कुछ DIY करते रहते हैं, अपने चेहरे पे, अपने बालों पे लगाते रहते हैं जिससे हमारी स्किन अच्छी लगे। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मेंटेनेंस और केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी भी आप बिना इंटरनल केयर के, बिना आप जो अंदर अपने बॉडी के अंदर क्या डाल रहे हो उसका ध्यान अगर नहीं रखा तो आप कभी भी अच्छे स्किन नहीं पा सकते। इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं क्या चीज़ें लेती हूँ अपने स्किन के लिए और हेयर के लिए। हाय गाइस, आई एम सदोफ, वेलकम बैक टू माय चैनल यू एंड मी। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल यू एंड मी को और बेल बटन पर क्लिक करें ब्यूटी, मेकअप, कुकिंग एंड DIY वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए। पहली चीज़ जो हमें अपने डाइट में इंक्लूड करनी है वो है आलमंड। आप सभी को पता है आलमंड की इम्पॉर्टेंस। फ्रेंड्स, आलमंड हम सभी के घर में अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे लोग, मैं भी लेजी हो जाती हूँ समटाइम्स कि कौन आलमंड अब सोक करेगा और खाएगा। लेकिन जहाँ पर स्किन की बात आती है, सारी लेजीनेस एक साइड और मेरी स्किन केयर एक साइड होती है। तो हमें एवरी डे कम से कम 7 to 8 आलमंड, सोक आलमंड खानी है। आलमंड की इम्पॉर्टेंस आप सभी को मालूम है कि आलमंड रिच ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स हैं, जो हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके बालों के हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा, स्ट्रेथन करेगा, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं स्किन और हेयर के लिए दोनों। इसलिए आलमंड को ज़रूर अपने डाइट में इंक्लूड करें। साथ साथ मैं सारे इंग्रेडिएंट के बारे में बताती जाऊँगी कि मैं किस तरह से इसका इंटेक करती हूँ। बादाम को मैं कम से कम 7 से 8 बादाम हमें लेना है और इसे रात में सोक करना है पानी में। सुबह उसके स्किन रिमूव करने के बाद हमें इसे खा लेना है। नेक्स्ट चीज़ है हमारी फ्लैक्सीड, अलसी के बीज। फ्रेंड्स, अलसी हमेशा आप लोगों में से कई लोग पूछते हैं कि अलसी क्या होती है, फ्लैक्सीड क्या होती है। अलसी फ्लैक्सीड को कहते हैं इंग्लिश में से फ्लैक्सीड, और हिंदी में से अलसी और तीसी भी शायद कहते हैं। मुझे ये 3 नाम ही पता है। अगर आप लोगों में से किसी और को भी कुछ और नाम भी पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें ताकि दूसरों को भी हेल्प हो जाए। फ्रेंड्स, फ्लैक्सीड बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। इसमें ये फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें भरपूर मात्रा में आपको मिलती है। मैं जूम करके दिखा रही हूँ, इस तरह की ब्राउन सीड्स होती है ये, भूरे रंग की, और ये काफ़ी अफोर्डेबल है और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह की बेनिफिट्स आपको वॉलनट में मिलती है, उस तरह की बेनिफिट आपको फ्लैक्सीड से भी मिल जाएगी। फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, हमारी बॉडी को इंटरनली हील करती है ये। स्किन के रैशेज, स्किन की किसी तरह की प्रॉब्लम्स है या हेयर इश्यूज़ है, हेयर फॉल है, उन सभी को ये बहुत इफ़ेक्टिवली कंट्रोल करती है। आप इसे ग्राइंड करके पाउडर के फॉर्म में भी खा सकते हैं। मैं इसे इसी तरह साबुत फुल खाती हूँ, 1 teaspoon एवरी डे। मैं इसे रेगुलर तवे पे हल्का सा, बिल्कुल हल्का से हमें रोस्ट करना है, और इसे ठंडे होने के बाद मैं बॉक्स में स्टोर कर लेती हूँ, और 1 teaspoon एवरी नाइट बिफोर बेड, सोने से पहले। और मैं इसे इसी तरह चिबा चिबा कर खाती हूँ, स्लाइवा के साथ मिक्स होने के बाद, च्यू करने के बाद ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इसलिए मैं इसे साबुत खाती हूँ, ग्राइंड करके नहीं खाती हूँ, 1 teaspoon एवरी नाइट। नेक्स्ट है हमारा चिया सीड। चिया सीड अगेन लोडेड विथ लॉट्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, जो हमारे स्किन के लिए और हेयर के लिए बहुत बेनिफिशियल, हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। चिया सीड में आपको मिलती है ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन्स, विटामिन B, E, B2, B3, फाइबर्स बहुत ज़्यादा हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, लोडेड विथ एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। विटामिन बी अगर से रिच है तो ये आपके स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और जिस चीज़ में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलती है अगर, तो वो आपके स्किन के लिए तो अच्छी ही, आपके हर्ट, आपके ब्रेन के लिए, आपके ओवरऑल बॉडी के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। यहाँ पर मैं आपको क्लोजअप पिक्चर दिखा रही हूँ चिया सीड की। चिया सीड और सब्ज़ा जो बेसल सीड होती है उसमें कन्फ्यूज़ नहीं करें, ये दोनों डिफरेंट चीज़ है। चिया सीड इस तरह की छोटी छोटी ओवल शेप में रहती है, और सब्ज़ा जो बेसल सीड होती है वो आपको थोड़ी फ्लैट पे रहती है, बट प्रॉपर्टी वाइज दोनों सेम ही रहती हैं। लेकिन चिया सीड ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए।
चिया सीड बेसिकली आपको साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, मेक्सिको में आपको ये ग्रो होती है, इसलिए इसका हिंदी मुझे नहीं मालूम, इसलिए चिया सीड ही सब जगह बोला जाता है। लेकिन चिया सीड और बेसल सीड इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं है, दोनों एक जैसे ही लगते हैं और पानी में डालने के बाद दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट हैं। सो मैंने यहाँ पे चिया सीड लिया है। चिया सीड में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है बहुत सारे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, फाइबर्स हैं जो हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए, हमारे इंटरनल बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। आपके ब्लड शुगर के लिए बहुत अच्छा है चिया सीड। आपके एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें, आपके फ्री रेडिकल्स से फाइट करने के लिए, जो सन एक्सपोजर से जो फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में बनते हैं उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है चिया सीड। चिया सीड में आपको अदर मिनरल्स और विटामिन्स के अलावा स्पेशली विटामिन B1, B6, B2, B3, आयरन, ये सारी चीज़ें बहुत मिलती हैं। विटामिन बी अगर मिलती है तो आपके वो मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है, आपकी बॉडी हाइड्रेट भी रहती है चिया सीड से, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, अंदर से आपकी बॉडी रेडिएंट होगी। मैं यहाँ पर जो चिया सीड यूज़ कर रही हूँ वो आपको दिखा रही हूँ, आप किसी भी कंपनी का यूज़ करें। चिया सीड आप किसी भी वे में लेना चाहें आप ले सकते हैं, आप अगर सीरियल में मिलाना चाहें 1 टीस्पून एवरी डे आप मिला सकते हैं, स्मूदी में मिला सकते हैं। मैं इसे एवरी डे मॉर्निंग में लेती हूँ, आप रात में एक ग्लास पानी में इसे 1 टीस्पून सोक कर दें और सुबह आप उसमें या तो हनी मिला दें या ऐसे प्लेन भी पी सकते हैं। मैं कभी हनी मिलाती हूँ, कभी नहीं मिलाती हूँ। नेक्स्ट है हमारा माई फेवरेट सैफ्रॉन। सैफ्रॉन आज से नहीं एंशियंट टाइम से यूज़ होता आ रहा है, हर घर में हमारी नानी दादी कहा करती थी सैफ्रॉन बहुत अच्छा होता है और हम सभी इसे मानते भी हैं और मुझे भी पर्सनली सैफ्रॉन बहुत ज़्यादा पसंद है। सैफ्रॉन में भी इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं जो सिर्फ आपको इंटरनली आपके स्किन को रिपेयर नहीं करेगा, आपके स्किन को ब्राइटन, आपके रंग को साफ नहीं करेगा, बल्कि बहुत अदर भी बेनिफिट्स हैं। सैफ्रॉन का जब भी नाम आता है हम सभी के दिमाग में आता है अच्छा रंग साफ़ करने के लिए, गोरे होने के लिए सैफ्रॉन का यूज़ होता है। होता है, रंग बिल्कुल साफ़ होता है सैफ्रॉन से, लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है सैफ्रॉन में जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। आपकी इंटरनल इम्यूनिटी इससे बहुत ज़्यादा बिल्डअप होती है, आपकी ब्लड शुगर में बहुत हेल्प करता है, आपके इन्फेक्शन, इंटरनल कोई इन्फेक्शन अगर उसे फाइट करता है। विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीफंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी, ये सारी चीज़ें तो हैं ही हैं। ये आपके इंसोमिया जिसमें नींद नहीं आती, अगर नींद आपको थोड़ा डिस्टर्ब है आप या डिप्रेस्ड हो, नींद नहीं आ रही है, आप सैफ्रॉन का यूज़ करो, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। सैफ्रॉन की बहुत सारी बेनिफिट्स तो हैं ही, लेकिन यहाँ पर मैं हेयर के लिए और स्किन के लिए बात कर रही हूँ, तो ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को रिपेयर करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, आपके आपके स्किन के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, रैशेज हैं, एक्ने हैं, उन सबको कंट्रोल करता है। अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि सैफ्रॉन बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बाहर जंक फूड बंद कर दो, आप सैफ्रॉन बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये काफ़ी आपको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, आपको बस 5-7 स्ट्रैंड एवरी डे लेना है। मैं मिल्क में लेती हूँ, कभी आप मिल्क में भी ले सकते हो, कभी आप सिर्फ पानी में भी ले सकते हो। मैं इसे एवरी डे 7-10 स्ट्रैंड आपको लेनी है मिल्क के साथ। आपको मिल्क के साथ बॉयल नहीं करना है, आप बॉयल्ड मिल्क को कप में डालो और सैफ्रॉन उसी में डाल दो। सैफ्रॉन को बहुत ज़्यादा बॉयल करके कभी यूज़ नहीं करें, उसकी सारी बेनिफिट्स चली जाती है। और दूसरे तरीके से मैं इसे रात में हॉट गर्म पानी में इसे सोक कर देती हूँ और मॉर्निंग में वो ले लेती हूँ, मॉर्निंग में वो पानी स्टैंड के साथ आप पी सकते हैं, मैं इस तरह से भी लेती हूँ। लास्ट बट नॉट लीस्ट पांचवी चीज़ है हमारी पानी। पानी की इम्पोर्टेंस मैं हमेशा आपको बताना चाहती हूँ, बताती भी हूँ कि पानी बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, पानी पे ही हमारी पूरी बॉडी बेस्ड है। पानी की जितनी भी बेनिफिट्स बताऊँ वो कम है, पानी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए। आप सभी को मैंने पहले भी बताया है कि हमारी पूरी बॉडी में 60-70% आपका पानी ही है। पानी सिर्फ हमारे बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखती, हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स जनरेट होते रहते हैं उसे फ्लश आउट करने में बहुत हेल्प करती है।
आपको मालूम होना चाहिए कि आपको रिंकल्स देर से आएंगे अगर आप वेल हाइड्रेट रहोगे एवरी डे बेसिस पे। आपको एंटी एजिंग की जो फाइन लाइंस, ये सब देर से आएंगे। वाटर से हमारी बॉडी की सर्कुलेशन बहुत अच्छी रहती है, आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी रहती है। ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी रहेगी, आपकी बॉडी, आपकी स्किन नेचुरल ग्लो करेगी, आपके हेयर फॉलिकल्स स्ट्रांग होंगे खुद से। वाटर आप एडुकेट अमाउंट में इंटेक करोगे, आपकी सर्कुलेशन अच्छी रहेगी, आपकी डाइजेशन अच्छी रहेगी, आपके एक्सक्रीशन, आपके एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीज़ें अगर आपकी अच्छी रहीं तो आपकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। आपको स्किन की कोई भी इश्यूज नहीं आएंगी, एक्ने नहीं होंगे, ड्राई स्किन, फ्लेकी स्किन नहीं होगी, ऑयली स्किन है तो सीबम बहुत ज़्यादा नहीं बनेगा। फ्रेंड्स, जब भी मुझे एक्ने होती है तो सबसे पहले मैं पानी का इंटेक बढ़ाती हूँ। मुझे जैसे ही एक्ने होने लगते हैं सबसे पहले मैं पानी ज़्यादा पीना शुरू कर देती हूँ, फिर होम रेमेडीज़ के उसके साथ साथ करती रहती हूँ। फ्रेंड्स, ये थी 5 चीज़ें जो मैं अपनी डेली लाइफ में, अपनी डेली स्किन केयर, हेयर केयर रूटीन में आप यूज़ करती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ DIY ज़रूर करें आप, लेकिन इंटरनल केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल केयर के बिना आप कुछ भी, आपकी स्किन वैसी नहीं दिखेगी जैसा आप देखना चाहते हो। Please like and subscribe to my channel. Thank you for watching.